हाय ऑल ब्यूटीज, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज का टॉपिक एक बहुत ही कंफ्यूजिंग टॉपिक है। इस टॉपिक पे आप लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे, फाउंडेशन कौन सा यूज़ करें, बेस कौन सा यूज़ करें। मुझे लगा जब मैं ब्राइडल सीरीज स्टार्ट करूँगी तो मुझे एक इस अलग से टॉपिक रखना चाहिए कि आप कौन सा फाउंडेशन यूज़ करें। आज हम इस टॉपिक में फाउंडेशन और बेसिस डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो। दैट्स वाई मैंने ये लुक जो है वो इंस्टाग्राम पे छोटी सी वीडियो बना के डाला है। आप वहाँ जाकर मुझे देख सकते हैं, ये लुक देख सकते हैं। माय इंस्टाग्राम हैंडल इज तन्वर अपर्णा। मेक श्योर आप वहाँ मुझे फॉलो ज़रूर करें और ये लुक ज़रूर देखें, बिकॉज दिस इज़ वेरी ट्रेंडिंग लुक ऑन ब्राइड्स। जब मैं सिर्फ ग्लिटर नहीं लगाया, बहुत सारे मेकअप आर्टिस्ट ग्लिटर ऐड करते हैं, बट दिस इज़ वेरी कॉमन लुक आजकल ब्राइड्स जो पसंद करती हैं। नाउ स्मोकी आई विद मिनिमल लुक, और या दैट्स वाई क्रिएट दिस लुक। और इस लुक के सभी प्रोडक्ट्स डिटेल्स वगैरह सभी आपको इंस्टाग्राम पर मिल जाएगी। आप वहाँ चेक कर लीजिए प्लीज़। वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए, और आई हैव टन ऑफ फाउंडेशंस और बहुत सारी बात करनी है फाउंडेशंस और बेसिस के बारे में, इसलिए दिस इज़ अ सेपरेट वीडियो। बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज की ये वीडियो। और अगर आप पहली बार देख रहे हैं ये ब्राइडल सीरीज, आपने फर्स्ट टाइम ज्वाइन की है, मेरे चैनल को जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि दिस इज़ द सेकेंड वीडियो ऑफ ब्राइडल सीरीज। आने वाली वीडियोज़ में बहुत कुछ है, नेल्स और स्किन केयर एंड एवरीथिंग इज देयर फॉर ब्राइडल्स। और जो न्यूली ब्राइड्स होती हैं वो क्या मेकअप करे, वो कैसा लुक करे, सब कुछ इस वीडियो में, इस सीरीज में इंक्लूड होगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, साइड में बेल आइकन उसे जरूर प्रेस कर दीजिएगा, जब भी नोटिफिकेशन आए तो आप लोगों को टाइम पर मिल जाए। मैं वीडियो अपलोड करती हूँ एवरी ट्यूजडे, थर्सडे, सैटरडे एंड संडे शार्प एट 5 PM। देखना ना भूले पूरी ब्राइडल सीरीज और इंजॉय करे मेरी वीडियोस को। चलिए भाई बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले प्रॉब्लम आती है फाउंडेशन की, क्योंकि फाउंडेशंस जो हैं बहुत कंफ्यूजिंग होते हैं कि क्या यूज़ करें। लॉन्ग लास्टिंग फाउंडेशन होना चाहिए एक तो आपकी ब्राइड का, और सेकंड थिंग कि उसका जो फिनिश है वो बहुत ज़्यादा फ्लॉलेस होनी चाहिए। इस कैटेगरी के लिए मैं आपको 2 फाउंडेशंस रेकमेंड करूंगी जो कि बहुत ही अच्छे हैं। द फर्स्ट वन इज दिस NYX कांट स्टॉप वॉन्ट स्टॉप फाउंडेशन। दिस इज वेरी गुड फॉर ऑयली स्किन। नाउ मैं एक चीज़ आप लोगों को बताना चाहूंगी कि जो फाउंडेशन ऑयली स्किन के लिए है वो ड्राई स्किन के लिए भी आप यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि कई लोग मुझसे पूछते हैं कि हम ड्राई स्किन पे यूज़ कर सकते हैं या नहीं, ऑयली स्किन पे यूज़ कर सकते हैं नहीं। आप बिल्कुल कर सकते हैं, बट आपको स्किन को जो है वो प्राइम करना आना चाहिए। प्रेप और प्राइम आप अच्छे से प्रॉपरली करेंगे, आप अपनी स्किन को ठीक से हाइड्रेट करेंगे, आपकी जो फाउंडेशन है जो आप ऑयली स्किन के लिए यूज़ करते हैं वो आप ड्राई स्किन पर भी यूज़ कर सकते हैं, और जो ड्राई स्किन के फाउंडेशन होते हैं वो आप ऑयली स्किन पर भी यूज़ कर सकते हैं। बेसिकली जो कि एक आर्ट है, दिस इज़ द ओनली आर्ट के जो मेकअप आर्टिस्ट हैं ये सी चीज़ सीखते हैं कि आप एक ही फाउंडेशन को आप सभी स्किन पे कैसे यूज़ कर सकते हैं। नाउ आप फाउंडेशन जो है वो यूज़ कर सकते हैं, बट टोन का आपको ध्यान रखना होगा कि किस स्किन टोन पर आप क्या फाउंडेशन यूज़ कर रहे हैं, किस टोन का फाउंडेशन यूज़ कर रहे हैं। नाउ येलो टोन के लिए आप येलो फाउंडेशन यूज़ कर रहे हैं, और पिंक टोन के लिए आप पिंक फाउंडेशन यूज़ कर रहे हैं। येलो पिंक का मैंने आपको पहले भी एक वीडियो में बताया, और क्लियरली मैं बता दूँ जो येलो टोन होती है वो होती है वार्म टोन, और जो पिंक टोन होती है वो होती है कूल टोन। दोनों ही फाउंडेशंस में आप बिल्कुल भी कंफ्यूजिंग मत कीजिएगा। दिस इज वेरी गुड फाउंडेशन जो कि आप यूज कर सकते हैं अपनी ब्राइड्स पर। यस, इट्स लॉन्ग लास्टिंग एंड इसकी फिनिशिंग जो है वो मुझे बहुत पसंद है, बहुत ही फ्लॉलेस फिनिशिंग आती है। आप अपनी स्किन को अच्छे से प्रेप एंड प्राइम कीजिए और ये वाली फाउंडेशन लगाइए, आपको बहुत अच्छी कवरेज मिलेगी, बहुत अच्छी फिनिशिंग मिलेगी। एक और बात मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाहूंगी, देखिए आप किसी भी ब्राइड का मेकअप करते हैं, बहुत से लोग मुझसे पूछते हैं हम डर्मा के ऊपर फाउंडेशन लगाए या नहीं, हम सुप्रा के ऊपर फाउंडेशन लगाए या नहीं। बिल्कुल नहीं, हमें डर्मा और सुप्रा हम लोग वहाँ यूज़ करते हैं जहाँ हमें बहुत ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग मेकअप चाहिए होता है या फिर प्रॉब्लमेटिक स्किन होती है। डर्मा ऑलवेज प्रॉब्लमेटिक स्किन्स के लिए यूज़ किया जाता है मोस्ट ऑफ द टाइम।
आर्टिस्ट जो हैं वो उनकी कवरेज के लिए यूज़ करते हैं और मेकअप की लॉन्ग लास्टिंग होने के लिए यूज़ करते हैं. सो अगर आपकी नीड नहीं है कि आप अपने फेस पर जो है बहुत ज़्यादा कवरेज की ज़रूरत नहीं है ब्राइडल के फेस पर, सो प्लीज़ डर्मा और सुप्रा आप नहीं लगाइए. अगर आपको लगता है, वैसे सुप्रा आप लगा सकते हैं क्योंकि डर्मा बहुत ज़्यादा हैवी बेस हो जाता है, और अगर जो बहुत सारी ब्राइड्स होती हैं उनको सामने से आप देखें तो उनका फेस जो है बड़ा अजीब लग रहा होता है. सो मुझे डर्मा इसी वजह से कम पसंद है. बट अगर आप डर्मा यूज़ कर रहे हैं तो बहुत लेस क्वांटिटी में यूज़ कीजिए, और जहाँ ज़रूरत हो वहाँ यूज़ कीजिए, अदरवाइज मत यूज़ कीजिए. और फाउंडेशन जो है आपको फ्लॉलेस फिनिशिंग देते हैं. सर्दियों में अगर आप मेकअप करेंगे, मैं कई बार अपनी वीडियोस में कह चुकी हूँ, अगर आप सर्दियों में मेकअप कर रहे हैं तो डेफिनेटली आपका मेकअप जो है वो 12 आवर चला जाएगा, बहुत अच्छा जाएगा. बल्कि अगर आप सुपर स्टे फाउंडेशन जैसे फाउंडेशंस भी यूज़ कर रहे हैं, नेक्स्ट NYX जैसे फाउंडेशंस भी यूज़ कर रहे हैं, सो आपका जो मेकअप है वो डेफिनेटली काफ़ी घंटे टिक जाएगा. लेकिन अगर आप गर्मी में फाउंडेशन लगा रहे हैं सो डेफिनेटली आप इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि वो बहुत ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग नहीं होगा, क्योंकि स्वेटिंग होगी डेफिनेटली, और स्वेटिंग की वजह से मेकअप ब्लैक भी पड़ जाता है. जो कई लोग पूछते हैं कि मेकअप ब्लैक पड़ने का क्या रीज़न होता है, तो एक रीज़न, ये बहुत बड़ा रीज़न है मेकअप ब्लैक होने का, स्वेटिंग भी एक रीज़न हो सकता है जो आपके फाउंडेशन को ब्लैक कर देता है. और द सेकेंड थिंग, आपके पोर्स जो हैं वो बंद हो जाते हैं और वो आपके बेस को ब्लैक कर देते हैं. सो ब्लैक फाउंडेशन के बारे में, ब्लैक बेस के बारे में हम बाद में बात करेंगे, आज हम बात कर रहे हैं ब्राइडल बेस के बारे में. सो दिस इज़ द फर्स्ट फाउंडेशन. एंड द सेकेंड फाउंडेशन इज ऑफ कोर्स मिलानी कंसील प्लस परफेक्ट. दिस इज सो ब्यूटिफुल फाउंडेशन, परफेक्ट फॉर ब्राइड्स. आप अपनी ब्राइड्स पर मीन्स किसी भी ब्राइड पर आप जो है इस तरीके की फाउंडेशन यूज़ कर सकते हैं. दिस इज़ अ फुल कवरेज फाउंडेशन. वेल NYX ऑल्सो इज़ अ फुल कवरेज, बट मिलानी इज़ मोर गुड देन NYX. सो दिस इज़ रियली अ गुड फाउंडेशन जो मैं आपको सजेस्ट करूँगी आप अपनी ब्राइड्स के ऊपर यूज़ कर सकते हैं, ड्राई स्किन पर भी और ऑयली स्किन पर भी. वैसे ये ऑयली स्किन वालों के लिए बहुत अच्छा है, ड्राई स्किन वालों पे इतना वर्क नहीं करेगा. अगर आप अच्छे से मॉइस्चराइज़ कर रहे हैं तो डेफिनेटली इसको लगा सकते हैं. मॉइस्चराइज़ कीजिए और प्राइमर लगाइए और देन इसको लगाइए. आई मीन दिस गोना बी द परफेक्ट बेस फॉर योर ब्राइड्स गाइज. तो भाई ये तो थी दो फाउंडेशन जो मैंने आपको सजेस्ट किए. नाउ बात आती है सुप्रा और डर्मा की. सो आज मैंने ये जो लुक क्रिएट किया है वो इसी कलर से किया, इसी शेड से किया है. दिस इज सुप्रा पैलेट फ्रॉम पैक. ओप्स, ओके, दिस इज सुप्रा पैलेट फ्रॉम पैक. और ये जो है आप अपनी ब्राइड्स पर डेफिनेटली यूज़ कर सकते हैं. ऑफकोर्स सर्दियों में आप यूज़ कर सकते हैं, बट थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी आपको ब्लेंड करने में क्योंकि उतना अच्छा नहीं रहता है. सो दिस इज़ द पैक ब्लेंडर. इस तरीके के ब्लेंडर्स जो हैं, मिक्सिंग मीडियम्स जो हैं, अदर कंपनीज में भी हैं, क्रेयोलॉन में भी हैं, ये पैक का है. सो ये आपको ज़रूरत पड़ेगी अपने बेस में मिलाने की, और ये बेस को बहुत स्मूथ कर देती है और लॉन्ग लास्टिंग भी कर देती है. इससे अच्छा इफेक्ट आता है आपके बेसिस में अगर आप डर्मा में भी मिक्स करते हैं. सो दिस इज द डर्मा ऑफ पैक. मेरे पास एक ही शेड है. आप जो हैं अपने डर्मा बेसिस में और अपने सुप्रा बेसिस में जो बेसिकली ये मिक्स कर सकते हैं मिक्सिंग मीडियम्स. ये पैक का है, क्रेयोलॉन का है, अदर कंपनीज का है, आप किसी भी कंपनी का ले सकते हैं. बट मुझे जो है पैक का बहुत अच्छा लगा, क्रेयोलॉन का इतना पसंद नहीं आया. सो आप ये ले सकते हैं. एंड द थर्ड थिंग फाउंडेशन और इन बेसिस के अलावा इज द पैन स्टिक्स. पैन स्टिक्स आप यूज़ कर सकते हैं अपनी ब्राइड्स पर डेफिनेटली. अगेन मैं आपको बता दूँ कि आप ये मेकअप ब्लेंडर के साथ यूज़ कर सकते हैं. पैन स्टिक में भी आप मेकअप ब्लेंडर यूज़ कर सकते हैं. मैं आपको यहाँ यूज़ करके इसलिए नहीं दिखा रही हूँ क्योंकि ऑलरेडी मैंने इन सभी प्रोडक्ट्स पर वीडियो बनाई हुई है. आप चैनल पर जाकर वो देख सकते हैं, और मैं लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे रही हूँ, सो आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो इसलिए. सो ये जो है आप पैन स्टिक्स यूज़ कर सकते हैं. ऑफ कोर्स पैन स्टिक्स का बहुत अच्छा रिजल्ट है, मुझे पैन स्टिक्स बहुत पसंद है. आप अपनी ब्राइड्स पर यूज़ कर सकते हैं, मेकअप को लॉन्ग लास्टिंग बनाती है और फ्लॉलेस फिनिशिंग आती है. बट द प्रॉब्लम इज़ कि जो ड्राई स्किन है, ड्राई स्किन पर आपके लाइन्स आ जाती हैं, पैचेस आ जाते हैं. सो उससे बचने के लिए आप इसके साथ जो है ये इस तरीके के मिक्सिंग मीडियम यूज़ कर सकते हैं, जैसे पैक का मैंने आपको शो किया है. और इसके साथ आपको फाउंडेशन यूज़ करने की
खूबसूरत नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है गाइज। अगर आप इस तरीके के, बिकॉज इट्स ऑलरेडी फुल कवरेज फाउंडेशन बेस है आपका ये, सो इसके साथ आपको जो है फाउंडेशन यूज़ करने की ज़रूरत नहीं। क्योंकि कुछ लोग मुझसे मैसेज करके पूछते हैं कि हम बेस के साथ फाउंडेशन यूज़ करें, नो प्लीज़, आप बेस के साथ फाउंडेशन बिल्कुल मत यूज़ कीजिए। सुप्राउडर्मा के साथ आप राइट शेड चूज कीजिए, सो उसके अकॉर्डिंगली आपका बेस अपने आप ऑटोमेटिकली बहुत अच्छा लगेगा। ओके, अब मैं बात करने वाली हूँ मेरे फेवरेट बेस के बारे में। दिस इज द बेस्ट बेस जो मुझे अब तक अच्छा लगा है, जिसकी फिनिशिंग बहुत अच्छी है और इसका लुक बहुत अच्छा है। ब्राइट्स में बहुत अच्छी लुक आती है, कोई फ्लैश बैक नहीं होती, आपको कुछ भी एक्स्ट्रा यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। और दिस इज फुल कवरेज बेस एंड दिस इज फ्रॉम अ मेकअप स्टूडियो। दिस इज द बेस्ट बेस गाइज। मोस्ट ऑफ द मेकअप आर्टिस्ट जितने भी आपको मिलेंगे उनके पास ये वाला बेस आपको ज़रूर ज़रूर मिलेगा, क्योंकि दिस इज़ द बेस्ट बेस फॉर ब्राइडल्स। बहुत अच्छी लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट है इसका, फिनिशिंग बहुत अच्छी है, अगेन मैं आपको बताना चाहूँगी। नाउ इसके साथ भी आपको जो है मिक्सिंग मीडियम की ज़रूरत पड़ती है। मेकअप स्टूडियो के अपने मिक्सिंग मीडियम्स हैं और आप चाहे अगेन पैक का मिक्सिंग मीडियम यूज़ कर सकते हैं, बट मुझे नहीं लगता है इसके साथ आपको बहुत ज़्यादा मिक्सिंग मीडियम की ज़रूरत पड़ेगी। मैं एक्चुअली इसको जस्ट फिंगर से इस तरीके से अपने हैंड्स पे ऐसे रब करके लगाती हूँ, तो ये बहुत अच्छा इफेक्ट देता है। मिक्सिंग मीडियम की मुझे ज़रूरत नहीं पड़ती। रादर देन दिस, अगर आप इसके साथ मिक्सिंग मीडियम यूज़ करना चाहें तो मेकअप स्टूडियो का ले सकते हैं अगेन, या फिर पैक का ले सकते हैं। बट दीज आर द बेस्ट मेकअप बेसिस फॉर ब्राइड्स, लॉन्ग लास्टिंग एंड द फिनिशिंग व्हाट आई कैन से। जो मैं अपनी ब्राइड्स हैं उनके पिक्चर्स यहाँ पर पोस्ट कर रही हूँ, सो आप देख सकते हैं, आपको आइडिया हो जाएगा किस तरीके के बेसिस होते हैं। और इसके अलावा ये सभी बेसिस से मैं आपको डिफरेंट डिफरेंट ब्राइड्स के लुक क्रिएट करके दिखाने वाली हूँ आने वाली वीडियोज में। दैट्स वाई ब्राइडल सीरीज आप पूरी की पूरी जो है वॉच कीजिएगा, उसके कोई भी जो वीडियो आप मिस मत कीजिएगा। आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेगी, ब्राइडल्स के बहुत सारे लुक्स देखने को मिलेंगे, नॉर्थ इंडियन ब्राइड, साउथ इंडियन ब्राइड, महाराष्ट्रियन ब्राइड, सब कुछ कवर्स होंगी। और मैं आपको एक एक बेस करके जो है इसमें कवर करूंगी, क्योंकि वीडियो वो भी बहुत ज़्यादा लंबी ना हो जाए, ये भी बहुत ज़्यादा लंबी ना हो जाए। इसमें सिर्फ मैंने सिर्फ फाउंडेशन आपके साथ डिस्कस किए हैं, ताकि उसमें नेक्स्ट वीडियोस में आपको डिस्कस करने की ज़रूरत ना पड़े। उसमें मैं सिर्फ आपको एक बेस दिखाऊंगी और उससे मेकअप करके दिखाऊंगी, सो आपके लिए और भी ज़्यादा ईजी हो जाएगा। इन फाउंडेशन से रिलेटेड, इन बेस से रिलेटेड अगर आपकी कोई क्वेरीज हैं, सो प्लीज़ लीव योर क्वेश्चन इन द कमेंट सेक्शन, जिसको मैं मुझे पता लग सके। इसके अलावा आप इंस्टाग्राम पर भी मुझे डायरेक्ट मैसेज करके बात कर सकते हैं। आपकी कोई भी क्वेरीज हो, आपकी कोई भी प्रॉब्लम हो, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कीजिए, वहाँ आपको क्विकली आंसर मिल जाएगा। इसके अलावा डेली अपडेट्स भी आपको जो है मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पर मिल जाती हैं, सो वहाँ ज़रूर वॉच कीजिए, क्योंकि वहाँ बहुत सारी अपडेट्स देती हूँ मैं इन वीडियो से रिलेटेड, इस सीरीज से रिलेटेड बहुत सारी वहाँ पर इन्फॉर्मेशन है, छोटी छोटी वीडियोज़ हैं। सो गाइज, ये थी आज की ब्राइडल फाउंडेशन वीडियो। आई होप आप लोगों को जरूर पसंद आई होगी, इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और देखना मत भूलिएगा इस सीरीज की नेक्स्ट वीडियोस। सो मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।